नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के रामपुर थुआ गांव में मारपीट के केस से बचाने के नाम पर ठगी करने वाले जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के खिलाफ एसपी के निर्देश पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली के अहमद में दबंगों ने लाठी डंडों से मंडल अध्यक्ष शजर अब्बास पर हमला कर दिया, जिसमें शजर अब्बास बुरी तरह से घायल हो गए। सुल्तानपुर में शिवगढ़ थाना क्षेत्र में खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिले हैं, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। सुल्तानपुर में बंधुआ कला थाना क्षेत्र के दादूपुर के पास ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी, बेटे की मौके पर मौत हो गई। अमेठी की जायज थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं कंटेनर की चेकिंग के दौरान 12 गौवंश भी बरामद किए गए। अमेठी की इन्होना थाना पुलिस ने हत्या में वांछित 4 आरोपियों को लाठी डंडे के साथ गिरफ्तार कर जेल रवाना किया। आपको बता दें कि इन लोगों पर एक युवक को पेड़ से बांधकर हत्या करने का आरोप है। अमेठी में जगदीशपुर के विद्युत विभाग में फॉल्ट ठीक करते समय पावर हाउस से अचानक सप्लाई शुरू कर दी गई, जिससे लाइनमैन की मौत हो गई। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के मोहना पश्चिम गांव में एक मुस्लिम लड़की की शादी में हिंदू लड़के ने बवाल करते हुए बारात वापस कर दी। लड़की का आरोप है कि वो अभी भी उसे और उसके परिवार को धमकी दे रहा है। अमेठी में जगदीशपुर के खैरातपुर सड़क का 15 दिन में गिट्टी उखड़ने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जांच टीम ने सामान की क्वालिटी खराब होने की पुष्टि करते हुए ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अमेठी में नगर पंचायत प्रत्याशी के ऊपर मारपीट का आरोप लगा है, साथ ही सफाई कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए नगर पंचायत प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अयोध्या में पटरंगा थाना क्षेत्र के पैगंबर नजर मजरे बसौड़ी गांव में कार्यक्रम में डांस कर रहे आदमी की अचानक मौत हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या में बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के लौटफाबाद बछौली में योगी वीर बाबा के स्थान पर महिला का शव लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली में लालगंज थाना इलाके में पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में कथावाचक मीना बौद्ध ने भोलेनाथ पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिस पर अखिल भारतीय परशुराम परिषद ने सीओ सिटी सदर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में कोतवाली सदर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में वांछित विकास तिवारी को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया। जौनपुर के मरही गांव में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बारिश के दौरान धान की रोपाई कर रहा था। जौनपुर की लाइन थाना बाजार पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और नकदी भी बरामद की है। जौनपुर की बदलापुर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। जालौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सा अधिकारी के आवास पर मरीजों ने पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।